और भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव की तैयारी एक दिन करती नहीं, अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार में लगी रहती है, उसमें भी चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय है। और बिहार की 40 की 40 सीटें जीते एनडीए और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। माइक्रो लेवल पे भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है इस बार। जी जी, हम लोग हमेशा करते हैं, इस बार भी किए हैं, पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आज तिथि का ऐलान भी होने वाला है, आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू। हाँ हाँ बिल्कुल, आज संभावना इसी की है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मिला है, तो आज से तो आचार संहिता लागू हो जाएगा। चुनाव की सारी तिथियाँ से लेकर और उनसे जुड़े हुए विषयों पर आज जो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लगता है कि सारी बातें रणवीरी आज बच जाएगी। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है 40 की 40 सीट जीतने के लिए। एनडीए 2019 में बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेगी और 2019 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। चुनाव आयोग ने कोई परामर्श भी माना है आपका? ओ, चुनाव आयोग के साथ बिहार चुनाव आयोग और केंद्र से चुनाव आयोग के अधिकारी आए थे, सभी पार्टियों को बुलाया गया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री गए थे और पार्टी को जो सुझाव था वो चुनाव आयोग को उसमें प्रकट कर दिया। इसके लिए डिले होती थी और जो पूरा तंत्र था वो इनएफिशिएंट कहलाता था। अभी जुलाई 2018 में इलेक्शन कमीशन ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम कॉलीग्स एंड दी रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ आर। मेरा नाम अंकित है, मैं दिल्ली से हूँ, एडवोकेट हूँ और बीजेपी इलेक्शन कमीशन कमेटी के का एक मेंबर भी हूँ। मित्रों, टिप्स है, एक ऐप चुनाव आयोग ने जारी किया है जिसके माध्यम से चुनाव में हो रहे सारी गतिविधियों पर आप नजर रख सकते हैं। और महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश Thank you.